యోగి ఆదిత్యనాథ్ తెలుగులో అందరికీ నమస్కారం అంటూ ప్రసంగం ప్రారంభించారు. టీడీపీ, కాంగ్రెస్, టీఆర్ఎస్ పార్టీలు కేవలం వారి కుటుంబ అభివృద్ధికి పనిచేస్తాయి తప్ప ప్రజల సంక్షేమం వారికి తెలియదు. ప్రజల సంక్షేమం సురిపాలన కేవలం ఒక బీజేపీ పార్టీతోనే సాధ్యమని, కుటుంబ పాలన కోసం పనిచేసే పార్టీలకు బుద్ధి చెప్పి బీజేపీకి పట్టం కట్టమని అభ్యర్థించారు. दंडकारण्य का यह क्षेत्र है, अपार खनन संपदा और वन संपदा से युक्त यहां के नागरिकों ने विपरीत परिस्थितियों में भी राष्ट्र निर्माण के अभियान में अपना योगदान दिया और आज जब तेलंगाना आए हैं, मुझे कहने में कोई तेलंगाना में आने पर यही विकास की नई नई ऊंचाइयां भारतीय जनता पार्टी. मित्रों, आप सब जानते हैं कि देश के अंदर सर्वाधिक समय तक कांग्रेस ने शासन किया. आंध्र प्रदेश जब तेलंगाना और आंध्र प्रदेश एक राज्य था तब भी कांग्रेस ने अधिक समय तक एजेंडे में विकास नहीं था. और जब एजेंडे में विकास ही न हो तो सुशासन की बात ही नहीं की जा सकती. और जब विकास और सुशासन जिनके एजेंडे में नहीं उनसे राष्ट्रवाद की उम्मीद भी नहीं की जा सकती. लेकिन मैं इस बात को जानता हूं कि आप में से हर व्यक्ति इस बात को, प्रधानमंत्री बनने के बाद मोदी जी ने अपने विकास के अभियान को गांव, गरीब, किसान, नौजवान और